अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरा कांदा और अंडे की सालन की रेसिपी। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज की दोपहर के लंच में हम लोग बना रहे हैं हरे कांदे की भाजी और अंडे का सालन। सबसे पहले हम हरे कांदे को काट लेंगे बारीक बारीक और ले लेंगे मीडियम साइज के बटाटे। बटाटों को हमने छील लिए हैं, अब इसे काट लेंगे। ये दोनों चीज़ काट कर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे वॉश कर लेंगे। अब ये कर लेंगे इसको कुकर में चढ़ाने की तैयारी। इसमें डाल लेंगे 2 चम्मच तेल और डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये हमने इसको वॉश कर लिए है भाजी को। ज़ीरा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम हरा कांदा और बटाटा डाल देंगे। इसे थोड़ी देर तक ऐसी भूनने के बाद इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और डाल लेंगे टमाटर और हरी मिर्ची और इसे मिक्स कर ढक्कन रखकर पकने छोड़ देंगे। इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर भी डाल लेंगे और डाल लेंगे नमक। अभी से हम सीटी आने छोड़ देंगे और फिर पकाकर एक छोटे टोप में निकाल लेंगे। ये हमारा हरा कांदा रेडी हो चुका है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। अभी हम बना लेंगे अंडे का सालन। मैंने ले लिए बॉयल्ड अंडे एक कढ़ाई में, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। डालेंगे 1 चम्मच तेल, अंडे को हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बस उठाओ तक तो मत डालो। अंदर में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अभी हम अंडे की सालन की दे कर लेंगे। इसी कढ़ाई में हम डालेंगे बारीक कटे हुए लंबे प्याज और इन्हें ब्राउन होने तक तल लेंगे। अभी हम एक कुकर में ले लेंगे चना और ये तले हुई प्याज और इसे पीस लेंगे। ये इसका पेस्ट रेडी है। अभी हम ले लेंगे एक कढ़ाई में तेल, इसमें डाल लेंगे ज़ीरा और रखे गरम मसाले और जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये अंडों को भी हम आधे आधे हिस्से में काट कर डाल लेंगे। ये अंडे का सालन भी रेडी हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।